हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है और नई वीडियो में रात की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना। आई एम सुजीत कुमार। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे। मेरे प्रियजनों, हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है। अपने पंखों की आड़ में पिता ने हम सभी को संभाल के रखा है, नया जीवन दिया है, इस संसार से चुना है परमेश्वर ने मेरे प्रियजनों। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे। ठीक है, यीशु मसीह ने कहा है, निश्चय मैंने तेरे दुखों को, तेरे रोगों को, तेरी बीमारियों को निश्चय मैंने अपने ऊपर उठा लिया हूँ, अपने शरीर के ऊपर ले लिया हूँ। मेरे प्रियजनों, पिता ने कहा, यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने हम सभी का जो पाप था, जो बीमारियां थी, जो बोझ था, यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। मेरे प्रियजनों, जो सजा हम सभी मानव जाति को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रियजनों, वो कलवरी क्रूस पे बलिदान हो गया, वो बलिदान हो गया हम सभी के खातिर मेरे प्रियजनों। और वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा मेरे प्रियजनों। वह जीवित परमेश्वर है, वह जिंदा परमेश्वर है, वह जलाली परमेश्वर है, वह जीवित परमेश्वर है मेरे प्रियजनों। वह इतना महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है मेरे प्रियजनों, कि उसने हम सभी से इतना प्रेम किया मेरे प्रियजनों। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है, परमेश्वर में है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाएगा तो भी वह जिएगा। मेरे प्रियजनों, मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, पिता ने कहा है, यदि हम पिता पे विश्वास करते हैं, यदि हम मर भी जाएंगे तो भी यीशु मसीह हम सभी को जिलाएगा, अपने वचनों के अनुसार जीवित करेगा। मेरे प्रियजनों, ठीक है, यीशु मसीह महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, वह राजाओं का राजा है, वह प्रभु का प्रभु है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है अपने वचन के माध्यम से, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्रियजनों, यदि आप संकट संकेति में हैं, दुख में, तकलीफ में, समस्याओं में, गरीबी में, बीमारी में हैं, हर नाना प्रकार की बीमारियों में लिप्त हैं, तो आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बोलना है, किसी मनुष्य का सहारा नहीं लेना है, उस परमेश्वर से बताने की आवश्यकताएं हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बताने की आवश्यकताएं हैं। वो इतना महान परमेश्वर है, आपकी बीमारियों को, आपके दुखों को, आपकी बीमारियों को, आपकी तंगी को, आपकी परेशानी को यीशु मसीह दूर करेगा। मेरे प्रियजनों, यदि आपके जीवन में हर एक गंदी आत्माओं की बंधन है, हर एक दुष्ट के बंधन है, हर एक करधर के बंधन है, हर एक शराब के बंधन है, हर एक जादू टोना की बंधन है, तो आज यीशु मसीह के नाम से टूट जाएंगे। मेरे प्रियजनों, हम सभी को अपने मुख से अंगीकार करना है, अपने मुंह से बोलना है, उस दुष्ट को डांटना है और आपके जीवन से वो शैतान भाग जाएगा। मेरे प्रियजनों, वह निकल जाएगा पिता, पिता यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियजनों, ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं कांपते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं। मेरे प्रियजनों, उनकी औकात नहीं है यीशु मसीह के सामने खड़े रह सके, टिक सके। मेरे प्रियजनों, ठीक है, मेरे प्रियजनों, यदि आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आज आपको किसी मनुष्य का सहारा नहीं लेना है, किसी मनुष्य से बताने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको प्रार्थना में घुटने टेक के परमेश्वर से बताने की आवश्यकताएँ हैं। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मुझ में बने हो और मेरा जीवित वचन तुम में बना है, मेरी बातें तुम्हारे अंदर बनी हैं, तो जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, हम सभी को यीशु मसीह के नाम से मांगना है, नाम से पुकारना है। वो परमेश्वर महान है, हमारे जीवन में वैसा ही करने वाला परमेश्वर है, उसको सिर्फ आदेश देना है, आपके जीवन में वैसा ही हो जाएगा। अद्भुत मिराकल करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा जुलावर है। मेरे प्रियजनों, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, वो पाखरू आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन को नया कर देगा हमारा परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मन की, तेरे हृदय की, तेरे मनो की बातों को जानता हूं। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं, तुम्हारी क्या जरूरतें हैं। यीशु मसीह जानता है, यीशु मसीह हम सभी के मांगने से पहले जानने वाला हमारा परमेश्वर है। हृदय मनो को जांचने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को दिया गया है। मेरे प्रियजनों, यदि हम सभी से कोई पाप गलती गुनाह हुआ है, तो यीशु मसीह से बोलेंगे, पिता के सामने मानेंगे, अपने पापों को अंगीकार करेंगे, उन पापों की क्षमा मांगेंगे, उन्हें छोड़ेंगे, अपने गुनाहों से, पापों से पश्चाताप करेंगे,
करेंगे। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है जो अपने अपराधों को मान लेता है उसके ऊपर दया की जाएगी, जो अपने अपराधों को छुपा के रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता है, उसके पापों को क्षमा नहीं दी जाएगी। मेरे प्रियजनों, हम सभी को अपने मुँह से अंगीकार करना है, मुँह से बोलना है, यीशु मसीह से बताना है, यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमारे गुनाहों को माफ करने वाला हमारा परमेश्वर है। इस प्रार्थना को आँख बंद करके पूरे विश्वास के साथ सुनना है और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करना है, आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा हमारा। ठीक है, चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। मेरे पिता, मेरे प्रभु, आप महान हैं पिता, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि परमेश्वर हैं पिता, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं पिता, आप सेनाओं की युवा हैं पिता, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु, जो आपने मेरे पिता हम सभी को पिता जीवितों के बीच में पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है मेरे पिता, इसके लिए प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं। यास हालेलुया। मेरे पिता, कितने मनुष्य होंगे पिता, अन्य जाति लोग होंगे पिता, जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो जानते हैं फिर भी नहीं मानते हैं पिता, वे मर गए होंगे पिता, वे अचानक मर गए होंगे पिता, वे अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से वे बिछड़ गए होंगे, वे कैसे स्थान पर चले गए होंगे पिता, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं। मेरे स्वामी, जो आपने मेरे पिता हम सभी को इस संसार से चुना है, अन्य जातियों से, संसार से चुन के पिता अलग किया है, नाम लेके बुलाया है पिता, आपने कहा है मैंने तुझे माता की गर्भ से चुना है, तू मेरा ही है पिता, आपने कहा है मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, तू मेरा ही है मेरे पिता, आपने कहा है। मेरे प्रभु, आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी तारीफ करते पिता, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे पिता, अनंत काल का जीवन देने वाले परमेश्वर पिता, उद्धार छुटकारा करने वाले देने वाले परमेश्वर पिता, आपकी तारीफ करते स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे पिता। परमेश्वर यीशु पापा, जो इस वक्त इस प्रार्थना को मसीह भाई अपने मोबाइल पे सुन रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ सुन रहे हैं और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव कर रहे हैं, मेरे पिता ये जो बीमार हैं पिता, जो हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, जो खाट पे पड़े हैं पिता, जो बेड पे पड़े हैं पिता, जो रो रहे हैं पिता, जो बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं पिता, टेंशन डिप्रेशन में चले गए पिता, हर प्रकार की बीमारियों में लिप्त हैं मेरे पिता, हम चाहते हैं मेरे पिता इनके जीवन में यीशु मसीह आपके दास होने के नाते यीशु मसीह के नाम से आदेश देते हैं, ये मसीह बहन चंगे हो जाए, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन। रिसीव करो चंगा यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन। मेरे पिता का वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। मेरे पिता, आपके नाम से मांगते हैं पिता, आपके नाम से पुकारते हैं मेरे पिता, इनके जीवन में यीशु मसीह आप काम करिए पिता, इनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां जाएं पिता, वे जाएं पिता यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता, प्रार्थना करते जिनके घर में दुष्ट आत्माओं की बंधन है, हर गंदी आत्माओं के, बदद्रोही चालों के, दुष्ट आत्माओं के, हर प्रकार की गंदी आत्माओं के बंधन इनके जीवन में, हर एक करा धरा के बंधन है, हर एक जादू टोना के बंधन है, हर एक शराब के बंधन है, यीशु मसीह वे टूट जाए पिता, वे जल जाए यीशु मसीह के नाम से, वे गंदी चाले, दुष्ट आत्माएं, बदद्रोही चाले भाग जाए यीशु मसीह के नाम से, वे भाग जाए यीशु मसीह के नाम से, वे भाग जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता, आपके नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, आपके नाम से दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं मेरे पिता, उनकी औकात नहीं है मेरे पिता आपके सामने खड़े रह सके, टिक सके पिता। मेरे पिता, जब ये शैतान थरथराता है पिता, जब आकाश पृथ्वी थरथराते हैं आपके सामने, तो इस दुष्ट की क्या औकात है मेरे पिता। मेरे पिता, ये गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं इनके शरीर से, इनके अंदर से, इनके जीवन से, इनके घरों से, यीशु मसीह के नाम से हमेशा के लिए जाए पिता, वे फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम से, वे आजाद होने पाए, आजादी को रिलीज करने पाए यीशु मसीह के नाम से, आजादी को रिलीज कर देते यीशु मसीह के नाम से, वो आजादी आने पाए, वो बदलाव आने पाए, वो चेंजिंग आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र, 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की युवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं मेरे पिता।
मेरे पापा हम प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता जो मसीबन गरीब हैं पिता, जो लाचार हैं पिता, जो कमाने नहीं पिता, जो 100-200 रुपए पर पिता ये उधर उधर उधार ले रहे हैं पिता, अन्य जातियों से सहायता ले रहे हैं पिता, मेरे प्रभु ये सब कुछ छोड़ छाड़ के यीशु मसीह पिता आपके पीछे आए। पवित्र आत्मा जी इनके जीवन में पवित्र आत्मा जी आप कार्य करिए पिता, पुत्र पवित्र आत्मा जी इन्हें अभिषेक से भरिए पिता, इनकी गरीबियों को तंगियों को परेशानियों को जड़ से खत्म कर दीजिए, वे समस्याएं बीमारियां गरीबियां जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। मेरे परमेश्वर पिता हम चाहते हैं पिता, आपके नाम से मांगते हैं पिता, इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए पिता, इनके घरों के ऊपर पिता आशीषें उंडेलिए पिता, बरकतें उंडेलिए पिता, बंद आशीषों के दरवाजे खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर जो मसीह भवन आपसे कुछ मांग रहे पिता, आपके सामने हाथ फैलाए बैठे हैं, घुटने टेक के बैठे हैं, कुछ भी आपसे मांग रहे हैं पिता, आप इनकी इच्छाओं को, आप इनकी जरूरतों को, आप इनके मनों को, आप इनके हृदय की बातों को यीशु मसीह जानते हैं प्रभु, आप इन्हें दीजिए पिता, दीजिए पिता। मेरे पिता प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता जो मसीह भवन पिता रात में नहीं सो पाते हैं प्रभु, जिन्हें डर लगता है, भय लगता है, कितने सपने आते हैं, ख्याल आता है, विचार आता है मेरे पिता, जब लेटे मेरे स्वामी तब इन्हें सुख की नींद आने पाए पिता, आपके पवित्र लहू का बड़ा बांधे यीशु मसीह। आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तू सुख की नींद आएगी पिता। मुझे आशा है विश्वास है प्रभु आपने प्रार्थना को सुना है, ये छोटी सी विनती उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। आमीन आमीन।